तो क्या हाल चाल गाइस। तो जैसा कि हम लोग जा रहे 7 दिन के लिए कैंप पे, और जो है वहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे मोबाइल हम लोग का जमा कर लिया जाएगा। तो पब्लिक ब्लॉग में बने रहो, बड़े तक मजा आने वाली है। अगर आज के दिन मोबाइल मिला तो फिर शूट होगा, बस का शूट लेंगे। बस में थोड़ा गाना वाना गाने का मन है, अगर मैं कुछ नहीं बोलेंगे तो गाएंगे भी। तो मचाना तो एक मिलते आगे मिलते, चलो गाइस बने रहो। बोलते गाइस हमारे सीनियर आ चुका है और हमको कुछ अच्छी खबर सुनाएंगे हमारे सीनियर। कहाँ से जा रहे भाई आप? फॉर्च्यूनर से मिली। फॉर्च्यूनर है भाई, टैक्सी मतलब टैक्सी गरीब वाली नहीं वाली। ठीक है चलो, बस से तो अच्छे है, कम से कम काली पीली फॉर्च्यूनर से ही चले जाएंगे। तो गाइस बने रहो, बने रहो पब्लिक, और ब्लॉग को काफ़ी सपोर्ट करो क्योंकि कैंप पे जा रहे हैं। अगर शूट करने मिला तो बहुत नचाएंगे, नहीं तो फिर नचाएंगे। चलो मिलते आगे। जैसा कि हम लोग आ चुके हो हमारी फॉर्च्यूनर में, देख सकते हो लगेज के साथ एकदम फुल। क्या बोलते भाई? भाई इधर भी अबे गरीब लोग दिख रहे नहीं है, गरीब लोग मेरे को याद। चलो गाइस मिलते आगे, फटे तक का मजा करें क्योंकि हम लोग आए अभी लगेज के साथ। हम लोग जा रहे थे फॉर्च्यूनर में, लेकिन कैसा लगेज भी लेके जाना था इसलिए लगेज में। तो पब्लिक मिलते आगे। माना कि हम खूबसूरत नहीं पर इरादे नेक थे। तुम बहुत अच्छी हो मेरी जान, पर मोहब्बत तुम्हारी फेक है। लेकिन बाकी मुझ में प्यार है। वाह 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 क्या बात है, सही है। तो मैं तुझे भी करूँ लेकिन बाकी मुझ में प्यार है, प्यार है। पूरा शहर मेरी मोहब्बत से वाकिफ, क्या बात है। बस तू मेरी मोहब्बत है, क्या बात है। हक से हक से क्या बात है, जिया तो क्या जिया, क्या बात है। जिया बे वफा आगे बोलो। बिल्कुल जी, बुला के जिया तो क्या जिया, आगे तो लिख दे खुद से, लिख दे खुद से अपनी किस्मत और मुसीबत। किसको लिख दे खुद से अपनी कामयाबी का राज हां किस्मत को बोल मिटा के दिखाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो देख सकते हैं सैफ भाई है हमारे, ये नजीर भाई है, परवेज भाई है, और ये अपने मुस्तफा भाई, और ये महेशर भाई हमारे शायर और ब्लॉगर दोनों है। और अभी ये एक शायर शायरी पेश करेंगे, तो महेशर भाई कुछ हो जाए आयशा के ऊपर से ताल्लुक रखोगे। हाँ ये मुस्तफा भाई कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ मुस्तफा भाई बोलो, बोलो मुस्तफा भाई बोलो, ताल्लुक रखोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। क्या बात है, ताल्लुक रखोगे तो तबीयत ठीक रहेगी। हम वो हकीम है जो लफ्जों से इलाज करते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुस्तफा भाई क्या आगे कोई बोल सकते है क्या? मुस्तफा भाई सर भाई एक शायरी बोलना चाहते हैं। दर्द भी वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, दर्द भी वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर को धक्का लगने पर भी माफी मांगे। क्या बात है, क्या बात है। शर भाई क्या बोलना चाहते हो? मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपना अपनी यादों का पैगाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को अपनी यादों का पैगाम दे गई। मैंने कहा मेरे दिल में दर्द तेरे लिए है, मैंने कहा मेरे दिल में दर्द तेरे लिए है, क्या कहना। तो वो जाते जाते झंडू बांध दे। क्या बात है, हो जाए। सुनिए सुनिए, हाँ सुनाइए। बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं मोहब्बत में। क्या बात है, बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं मोहब्बत में। हो चुके हैं आपको पहले नहीं जिसको ये इनाम दिया गया। जैसा कि हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं अभी फ्रंट कैमरा बैक नहीं, एक्टिंग मत करो। आ गए हम लोग, अभी अंदर चलते कैंप में, देखते क्या सीन है। बाकी लोकेशन तो बहुत रहा है, वीडियो बनाने के लिए बस मोबाइल मिल जाने चाहिए। और ये हमारा छोटा सी घर है, और ये हमारा छोटा सी घर, हम तुमको बैक कैमरा करके दिखाते हैं।
खाना 7 दिन तक कहीं भी रहना, या मान लो हमारा किचन है, बाथरूम, बाकी हॉल उधर है। हम लोग इधर आए कैंप में एनएसएस के लिए और लोकेशन काफ़ी अच्छा आया है, लोकेशन बहुत अच्छा है। व्यू निकाल चुका हूँ, सलीम भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सस्ता वार में तो पब्लिक बने रहो, शाम तक का शायद मोबाइल रहे तो तब तक हम लॉगिन करेंगे, नहीं तो फिर मिलेंगे आगे। चलो मिलते हैं आगे, बाय बाय। जैसा कि लोकेशन बहुत ही बहुत प्यारा है, एकदम फुल गांव की याद आ रही है, बहुत रावस लोकेशन है और बस गांव भी आजू बाजू में एकदम फुल गांव की फीलिंग आ रही है। और ये जो कैंप है हमारा, पब्लिक भी आ गए, हम लोग 40-50 स्टूडेंट आए हैं और बड्डे तक इन्जॉय करने, रात में भी थोड़ा करेंगे। अभी तो बस तैयारी चल रही, सब सामान सेटअप किया जा रहा है सामान का, पब्लिक देख सकते हो बैक कैमरा का। ये गरीब लोग खाने के लिए बैठे हैं और खाना आने में अभी टाइम लगेगा। नियत करके बैठे हैं, जो भी हजरत पैसा लिया होगा मेरा वो दे दे, वरना अगले जन्म में कुत्ता बना के मेरे घर पे पैदा किए जाओगे।